फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र आनंद नगर ककरूकोठी के पास नगर निगम के ठेका कर्मचारी के साथ मोहल्ले के ही एक व्यक्ति द्वारा मारपीट का मामला क्षेत्रीय पार्षद मनोज शंखवार के प्रकाश में आया। मौके पर मीडिया टीम भी पहुंच गई। इस दौरान पिटाई का शिकार ठेका कर्मचारी का नाम 20 वर्षीय अक्षय राही पुत्र राजू राही बताया गया। क्षेत्रीय पार्षद मनोज शंखवार ने कहा कि मेरा वार्ड नंबर 12 है और जो 13 ग्राम सभा जोड़ी थी उसमें से एक वार्ड है। आज जो आनंद नगर में घटना हुई बड़ी निंदनीय है। ठेका कर्मचारी जो कोरोना फाइटर्स लगे रहते हैं उनके साथ मारपीट गलत है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें। पूर्व में भी एक कर्मचारी संग मारपीट हुई थी। योगी जी के सख्त आदेश है, मारपीट करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। देखिए हमारे संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अच्छे राय। अच्छा जी, क्या हुआ? किस तरह, किसने मारा है आपको वहाँ पे? वो मुनीश की लड़का है, उनने मारा है। ढीला लेके मैं आ रहा था, कूड़ा लेके ढीला लेके आ रहा था, तो उनने अंदर से निकल के आए, सीधी लात मारी, मेरा गला पकड़ लिया और टेटी दबाने की कोशिश की और घूंसा मारे मुझे, मैं गिर गया वहीं पे। मैंने कॉल करने की कोशिश की 112 पे, तो मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे, मोबाइल छीनने के लिए। किस जगह है, किस मोहल्ले में? नगर। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? हमारे साथ में तो फिलहाल में वहाँ तो वैसे अकेला ही था, जब मारपीट की थी तब तो अकेला ही था। मैं कॉल करने कर रहा था तब मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। पुलिस वगैरह आई थी क्या? हाँ, पुलिस नगर निगम से कोई अधिकारी? नगर निगम से ZSO साहब आए थे और इंस्पेक्टर साहब थे, सुपरवाइजर थे हमारे मनोज, और मनोज वो पार्षद जी थे। मनोज जी, आपका वार्ड कौन सा है? अभी क्या घटना हुई है आपके वार्ड में? मेरा वार्ड नंबर 12 है और जो 13 ग्राम सभा जोड़ी गई थी उसमें से मेरे एक वार्ड कर्मचारी भी कम है हमारे वार्ड में, परंतु फिर भी हमारे क्षेत्र के कर्मचारी लगातार लगे रहते हैं पूरी मेहनत के साथ में। परंतु आज ये घटना हुई है मोहल्ला आनंद नगर में, ये बड़े ही दुखी बात है कि कोरोना फाइटर्स के रूप में ये कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और उनके साथ में ऐसी बदतमीजी की जा रही है, तो इसके ये बड़े निंदनीय है और हमें उम्मीद है प्रशासन से कि जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसके लिए प्रशासन, नगर निगम पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी आज आकर के उन्होंने निरीक्षण किया है और घटना की जानकारी दी। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं इधर हो चुकी हैं क्या? जी भाई साहब, वो बात आप सही है, अभी तक एक बार और घटना हुई है ऐसी, उसके खिलाफ भी तहरीर दी थी लेकिन अभी उसमें कोई पकड़ा नहीं गया है। तो मैं पुलिस प्रशासन निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का कर्मचारी हो, अगर इस समय कोरोना फाइटर्स के रूप में हमारा काम कर रहा है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अभी इस समय हमारी मदद कर रहा है, समाज की मदद कर रहा है, तो उसके साथ अगर अभद्रता की जाती है तो जैसा कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसी प्रकार से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए।